अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं फ़िश इन बनाना लीफ, चटनी फ़िश इन बनाना लीफ। ये आप अगर बनाना लीफ नहीं मिलते हैं तो आप फॉइल के अंदर भी बना सकते हैं सेम मसाला लगा के फ़िश को। ये आप बेक भी कर सकते हैं और पैन फ्राई भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, ये है 8 से 9 हरी मिर्चें, 8 से 9 क्लोव गार्लिक, 2 लेमन, 1/4 चम्मच चाय की नमक, 1 चम्मच ब्लैक पेपर क्रश, 1 चम्मच धनिया रोस्टेड पाउडर, 2 चम्मच ज़ीरा रोस्टेड पाउडर, हल्दी 1/2 चम्मच, ये है 2 टेबलस्पून जितना पिसा हुआ हरा लहसुन। ये हरा लहसुन की सीज़न के अंदर आप इसको पीस के फ्रीज कर सकते हैं क्यूब्स में डालकर। ये मेरे पास वही चीज़ पड़ी हुई है। और ये है 4 मगज़ को मैंने पीस कर पानी डाल के पीस के क्यूब्स कर लिए थे। तो अगर आप एक टेबलस्पून में काउंट करना चाहेंगे तो ये 3 टेबलस्पून जितना है। ये है धनिया 2 गड्डी मीडियम साइज़ की। हमें बटर भी चाहिए। ये है 5 पॉपलेट मीडियम साइज़, मीडियम से थोड़ा बड़ा साइज़ है बट नॉट मीडियम। और इसके अंदर मैंने नमक लहसुन और नींबू लगाकर मैरिनेट करके रखा है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। ये है ग्रेटेड कोकोनट, ये 3 टेबलस्पून है, ये साइज़ के 3 हैं। अब हमें बनाना है तो हम ये चटनी को पहले पीस लेंगे और फिर हम फिश में लगाकर। ये है बनाना लीव्स, इसको मैंने कट करके वॉश कर लिया है। इसकी स्टेम निकाल के फिर आपको जितने साइज़ के चाहिए कि आप इसको फ़िश को लपेट सके उतने में फोल्ड कर सके उतने साइज़ का करके मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से आगे पीछे से। और फिर हम इसको धागे से बांध देंगे। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, मैरिनेट करके रख दे फ्रीज भी कर सकते हैं और आप फौरन भी बना सकते हैं। ठीक है जी, हम इसकी चटनी बनाते हैं फिर आपको इसका प्रोसेस दिखाते हैं। अच्छा जी, हमें अब इसकी चटनी बनानी है फ़िश के लिए। सो मैं पहले डालूँगी ग्राइंडर के अंदर लहसुन मिर्ची, सब चीज़ों को एक साथ डाल देना है। मिर्ची फिर मैं थोड़ा ही चॉप कर लूँगी फिर ताकि दूसरी चीज़ें जाए। कोकोनट ग्रेटेड नींबू मेरे हाथ वॉश हैं, मैंने वॉश किए हुए हैं सो प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे मसाले नमक काली मिर्चे धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर और हल्दी, ये 4 मगज और ये पिसा हुआ हरा लहसुन हम थोड़ी देर बाद डालेंगे जब पहले धनिया को इसके अंदर डाल के हम मिक्स कर लेंगे। अदरवाइज़ ये ग्राइंडर में प्रॉपर घूमेगा नहीं इसलिए। ठीक है जी, फिर सब डाल के हम चटनी बना के फिर आपके सामने इसको बनाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी चटनी रेडी हो गई। इसको भुना मसाला भी बोल भूनने के लिए फ़िश भूनने के लिए मसाला भी बोल सकते हैं या फिश को मैरिनेट करने के लिए मसाला। ये चटनी रेडी हो गई हमारी, अब हम इसको अपनी फ़िश के ऊपर लगाएंगे। ये है बनाना लीव, इस तरह से बनाना चाहो इस तरह से एनी वे।
हम इसके लिए अपने फिश लेंगे, एक हम यूं रखेंगे और एक को हम यूं रखेंगे, ठीक है जी, एक यूं और एक यूं, दो में लपेटना है हमने। हम अपनी चटनी लेंगे, ये नो प्रॉब्लम, ये इसके साथ ही हम इसको मैरिनेट लहसुन और नमक और नींबू के साथ ही है, इसको ऐसे ही हम इसके ऊपर मसाला लगा देंगे और इस तरह से अपने सारे फिशेस को रेडी कर देंगे। ये वन साइड हो गया, हम इसको टर्न करके इसको पारसी लोग पातरानी मच्छी भी बोलते हैं, ये पारसियों की भी बहुत फेमस डिश है। आप चाहे तो कोई भी फिश इसके साथ ले सकते हैं, सी बाज अच्छी होती है, फिर पल्लो मच्छी, जिस पाकिस्तान में पल्लो बोलते हैं, इंडिया में मोदाल मच्छी बोलते हैं इसको, हिलसा भी बोलते हैं बंगाली पीपल, वो भी ले सकते हैं, एनी फिश ले सकते हैं इसके लिए। अब हमें चाहिए बटर, और बटर को हम एक साइड इधर रखेंगे और ये हम इसके नीचे की साइड रखेंगे, ठीक है। एक फोल हम यूं करेंगे, एक फोल हम यूं करेंगे, फिर ये एक फोल यूं और ये एक फोल इस तरह से। अब हमें धागा चाहिए होगा, एक फोल इस तरह से। अगर आप फॉइल में करना चाहें, बेशक फॉइल में कभी कर सकते हैं, बट बनाना लीफ का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, इसलिए हम इसको बनाना लीफ में बनाते हैं। रफली आपको बांधना है, सिर्फ इसका फ्लेवर के लिए हमें चाहिए, मसाला तो इसके अंदर ही रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको चूल्हे पे डालेंगे, पैन फ्राई करेंगे, मैं पैन फ्राई करूँगी, मैं इसको बेक नहीं करूँगी, बेक भी करना चाहो तो इसी तरह से जस्ट पैन में रख दो, और बेक करना चाहो तो इसी पैकेट को बेकिंग ट्रे में डालकर 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के लिए बेक कर दो, ये हो जाएगी इस तरह। ये देखिए हमारे फिश के पैकेट बनाकर रेडी हैं इस तरह से। अब चाहे तो आप इसको इसी तरह से फ्रीज कर सकते हैं ताकि आपको जब खाना हो तब जस्ट पैकेट निकालो और खा सकते हैं, पैन फ्राई करके या बेक करके। अब मैं इसको पैन फ्राई करूँगी, ठीक है जी, फिर इसका जब बन हो जाएगा तो फिर मैं इसका लुक बताऊँगी कि किस तरह से होती है ये। ये देखें हमारी पैन रेडी है, हमने गरम करने रख दी थी। अब हम इसके अंदर फिश डाल देंगे, अपनी जो पैकेट वाली फिश जो हमने बनाना लीफ में करके रखी हुई है उसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा, क्योंकि इसके उसके अंदर बटर है तो हम इसके अंदर सिर्फ फ्लेवर के लिए हल्का सा ऑयल डालेंगे, 2 टेबलस्पून जितना ऑयल है ये। चूल्हे को हम थोड़ा ज़्यादा तेज़ कर देंगे, और हम ये फिश इसके अंदर रख देंगे और ये ढक देंगे। अब फिश फ्राई भी होगी और स्टीम के साथ थोड़ी सी स्टीम भी होगी साथ में, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको थोड़ी थोड़ी देर में हम पलटाएंगे, अभी इसको 5 मिनट तक इसी तरह से करके रख देंगे बंद। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत तेज़ चूल्हा रखें या बहुत स्लो रखें, स्लो नहीं रखिएगा, बेटर है आप मीडियम टू हाई रखें ताकि वो
केले के पत्ते बनाना लीफ में फ्लेवर आकर उसमें से ऊपर जाए और फिश पकना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, ये ज़रूर, ये अगर रेड भी होता है तो मसला नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत बनाना लीफ लगाया हुआ है, तो फिश को कुछ नहीं होगा, ये बनाना लीफ का फ्लेवर आएगा, सो डोंट वरी। और ये इसी तरह से कुक होगा। हमने इसको एक बार पलटा दिया, आप दूसरी बार पलटाया हुआ, अब अगेन इसको ढकना ढक के रखेंगे तेल के, हमें अंदाज़ा हो कि फिश हो गई है। अब फिर हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से होती है। ये देखें, हमारी फिश दोनों तरफ से फ्राई होकर रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये हमारी फिश विद बनाना, फिश इन बनाना लीफ या पांच रानी मच्छी इज़ रेडी। आई होप आपको पसंद आए।